हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी को दिल से नमस्कार और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग एकदम ठीक हो और एकदम मस्त हो। और जिसको अभी मैं छोड़ चुका हूँ और अभी थोड़ा आ रखा हूँ वादियों की तरफ। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मेरे पीछे वादियाँ है, क्योंकि हमको ऐसी जगह अच्छी लगती है जहाँ पे थोड़े पेड़ पौधे हो, नेचुरल जगह हो। और ये हमारे पीछे पेड़ देखो, इतने अच्छे अच्छे पेड़ हैं, जिस वजह से थोड़ा हमको यहाँ पे अच्छा लगता है। और आज का थोड़ा ब्लॉग ऐसा ही होगा, क्योंकि आज मैं आपको कुछ अपनी पुरानी चीज़ें दिखाने वाला हूँ जो कि मैंने कुछ टाइम पहले बनाई थी, बट मैं उस टाइम उसे अपलोड नहीं कर पाया, जिस वजह से मैं आपको चाहता हूँ कि आप वो चीज़ भी देखें, क्योंकि यार वो चीज़ भी कुछ एंटिक चीज़ है बनाई मैंने। और अभी चलते हैं घर की तरफ और चलो मिलते हैं आपको, रास्ते पे मिलते हैं, क्योंकि आज कहीं घूमने का प्रोग्राम भी नहीं है। और गाइज अभी हम दो आगे जा रहे हैं, थोड़े बर्फ के बीच जा रहे हैं। आज हम आपको बर्फ दिखाएगी कि हमारे इधर कितनी बर्फ गिरती है। गाइज हम तो डूब ही जाएंगे आज। नहीं गाइज, यहाँ बहुत हरियाणा के लोग आते हैं, चिलम फूकते हैं हमारे सामने, और बस हमें दुख इस चीज का होता है कि वो बस खाली अकेले अकेले फूकते हैं, हमें नहीं फूकाते ठंड में। देख चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। जे इसका ड्राइवर पता नहीं कहाँ चिलम फूकने चले गया, और गाइज इसने तो इतना जाम लगा दिया, पता नहीं कहाँ ये बंदा चिलम फूकने चले गया। देखो जरा इतने ठंड है कि हमारे कान कून सब ठंडा हो गया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हम तो तीनों हनीमून मनाने आए थे, हमारी गर्लफ्रेंड भाग चुकी है यहाँ से, कि बॉडी ठंडा बहुत ज्यादा हो रहा है, कि रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अभी हमें तीन चार हीरोइन ही दिख रही, देखो जरा इनको पेलते जरा, ये चाइना, देखो ये चाइना, देखो चाइना वाले मार रहे, गाइस भागो 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 चाइना वाले। आज घूमने का प्रोग्राम तो होगा नहीं, क्योंकि आज सबका ड्यूटी रहती है, अपना काम रहता है। जोना भाई की ड्यूटी है, सागर की अपनी कोचिंग है, तो आज कोई फ्री नहीं होता है, और जिस वजह से आज सबका अपना अपना काम है और मेरा भी अपना काम है। दोस्तों आपको लगता होगा कि ये बंदा तो गाड़ी में ही ब्लॉग बनाते रहता है, पर क्या करे दोस्तों, अभी टाइम ही ऐसा है कि अभी गाड़ी में ही ब्लॉग बनते हैं और गाड़ी में ही ब्लॉग ख़त्म होता है और गाड़ी में ही शुरू होता है। बट अभी क्या कर सकते हैं हम, जितना हमसे होता है मैं उतना आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ और उतना अच्छा दिखाने की कोशिश करता हूँ, अपने से मैं कभी कमी नहीं छोड़ता किसी चीज़ पे। बट अभी क्या कर सकते हैं दोस्तों, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे सीखने में टाइम लगेगा, अभी बहुत चीज़ें सीखनी होती है, कभी भी लर्निंग ख़त्म नहीं होती है। जिस दिन हमारी लर्निंग ख़त्म होगी उस दिन हम ख़त्म हो जाएंगे, इसलिए हम धीरे धीरे सीखते रहेंगे और अपने आप को इम्प्रूव करते रहेंगे, और थोड़ा थोड़ा आप सपोर्ट करते रहिए और थोड़ा हम आपको सपोर्ट करते रहेंगे। और इसी बात पे ठोको ताली एंड और ठोको सब्सक्राइब और ठोको लाइक, यही दोस्तों होना चाहिए। और देखो यार, और मैं एक चीज़ देखता हूँ कि आजकल लोग वीडियो देख रहे हैं, जिसके लिए आपका धन्यवाद। बट दोस्तों अगर आप नए हो और आप हमारे सब्सक्राइबर हो तो आप साथ में बेल आइकन दबाएं और उसको अलाउ करें। जब तक आप अलाउ नहीं करेंगे तब तक आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आएगी, जिस वजह से आप हमारी वीडियो मिस करोगे। देखो यार अभी तो हम इतने पॉपुलर भी नहीं है जो आपको हाँ देखनी है वीडियो, बट कुछ टाइम बाद चार मासू ने चाह, हमारे भोलेनाथ ने चाह, तो आने वाला टाइम थोड़ा अच्छा होगा, जिस वजह से आप भी हमें देखेंगे कि हाँ भाई इस बंदे ने किस तरीके से शुरू करी और किस तरीके से आज ये पहुंचा है। तो वो फेस एक स्ट्रगल फेस रहता है और आप उसे देखते रहोगे कि हाँ इंसान किस तरीके से सीखते रहता है, और इसी तरीके से हल्के हल्के कदमों से हर लोग सीखते हैं। जैसे अगर कभी
किसी पे भरोसा करते हैं तो फर्स्ट भरोसा स्ट्रॉन्ग भरोसा होना चाहिए, जिस वजह से अगला इंसान अगर हम पे ट्रस्ट करता है तो उसका ट्रस्ट कभी टूटना नहीं चाहिए। अदरवाइज अगर वो हमारा ट्रस्ट तोड़ता है तो उसको हमेशा के लिए ब्लॉक कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग की कोई गारंटी नहीं है वो अगली बार भी हमारा ट्रस्ट ना तोड़े। तो ये बात थोड़ी याद रखें आप। मैं कुछ कुछ बातें आपको बीच बीच में बताते रहूँगा जो मैं खुद अपने लाइफ में फॉलो करता हूँ, और मैं चाहता हूँ आप भी वो बात अपनी लाइफ में फॉलो करो। वो आपका विचार है, आपकी सोच है, अगर आप वो चीज़ करते हो तो उससे आपका बेनिफिट ही होगा, उससे आपका। सोचा ही नहीं दर्द सवारने होगे, मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होगे। इस दुनिया में जाने मिलते हैं, अनजान इस दुनिया में अनजाने मिलते हैं, अनजानी राहों में उनके हम जाते हैं, लेकिन हमें जादू याद आते हैं। ओ मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, वो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, वो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। हर में यूं ही रहना हाय, मेरे दिल में यूं ही रहना तुम बार प्यार करके। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। चुके हैं बल्लपुर। जय भोले शंकर, जय भोले शंकर। कौशो वेले ठीक ठाक, वेले कौशो ठीक ठाक, कौशो वेले कौशो ठीक ठाक। और ए बी लागो हनोई दारके, और ए बी रो पहुंची बल्लपुर, और बल्लपुर के ही लाग दो 15-20 मिनट लाग दो मुँह नौनक है, और तब दार के पहुँच दो। तब करो एक चोटे नाश्ता नुश्ता खाओ लो। अभी पहुँच चुके हैं घर, और अब थोड़ी देर जरा नहाना धोना करते हैं, और पापा को भी नहलाते धुलाते हैं क्योंकि ज्यादा नहीं बनने का। मेरे नैना विच जन्म गिरे कोई रंग सुनहरिया,